ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ವರೆಗೂ ರಾಜಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭವನ್ ಸಮ್ಮಾನ ಸಮಾರೋಹ ಕೋಟಾ ಶಹರ್ ಈ ರಾಜಶ್ರೀ ಸಮಾರೋಹ ವರ್ಷವೇ ಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ एक होता है साधना शिखर सम्मान होता है, एक होता है साधना सम्मान होता है, एक तो साधना शिखर, एक साधना सम्मान, और ये तीसरा होता है संस्कृत विद्वान सम्मान, जिसको विद्वत्व सम्मान कहते हैं। तो चौथा होता है संस्कृत युवा प्रतिभा सम्मान। चार प्रकार के हमारे कैटेगरी है, हम इनको सबको 2 सितंबर को सम्मान करेंगे। इसे पहला जो पुरस्कार होता है वो 1 लाख रुपये का होता है सम्मान, दूसरा होता है 51,000 रुपये, तीसरा होता है 21,000 होता है, 31,000 होता है, चौथा होता है 21,000 होता है। इस प्रकार से मैंने पहला पुरस्कार में एक व्यक्ति को चुना, एक विद्वान को चुना है, दूसरे में 2 को चुना है, तीसरे में 6 को चुना है, और चौथे में हमें 12 को चुना है। क्या उनके पीछे का बेस क्या रखा गया है, अनुभव के आधार पर दिया जा रहा है, उपलब्धि के आधार पर? देखो शिखर सम्मान ये संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, दूसरा साधना करते हैं, और जिससे आसपास के लोगों को प्रेरणा मिलती है ऐसा, दूसरा होता है वो भी से थोड़ा छोटी कैटेगरी का होता है, तीसरा है हमारा जो संस्कृत युवा लोग, युवा प्रतिभा, जो युवा अवस्था के लोग थे, अच्छा काम करते हैं, और जो तीसरा था संस्कृत में भारत, और इसके ये हम काबिल मानते हैं, इतना आवेदन करते हैं, और फिर उनको देखते हैं, असेसमेंट करते हैं। हमारी एक टीम होती है इसके असेस करती है, हमारी प्रमुख शासन सचिव होते हैं, संस्कृत के आयुक्त भी होते हैं, संस्कृत के कुछ दुहल लोग भी होते हैं, और 2 विधायक उन्होंने सदस्य होते हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, हम सब मिलकर चेक करते हैं। संस्कृत का काम विभाग के अलावा अलग अलग स्तरों पर भी किया जा रहा है, तो ये क्या केवल विभाग के लोगों को ही? विभाग के लोगों को हम कम आकलन, क्योंकि उनका काम तो पढ़ा लिखना है ही, लेकिन उसको छोड़कर जो दूसरे लोग भी संस्कृत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विद्वान लोग हैं, उनको हम ज्यादा तवज्जो देंगे।